प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा अधिकारियों के बीच ई लर्निंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने की पहल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और सेल आरएसपी में ठेका श्रमिकों को ईओटी ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर पर प्रशिक्षित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में 23 अगस्त 2024 को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के उपयोग पर आधे दिन का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक HRL&D सुश्री राजश्री बनर्जी ने की। कार्यक्रम में प्लांट के लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। अकाउंट डायरेक्टर और क्षेत्रीय प्रमुख लिंक्डइन सूचना प्रणाली APAC भारत श्री अनूप मेनन एवं वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबंधक लिंक्डइन श्री अमित मुखर्जी ने लिंक्डइन लर्निंग के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र लिए। विशेष रूप से कार्यक्रम को आरएसपी के अधिकारियों के बीच ई लर्निंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे खुद को नवीनतम उपयोग रुझानों से अवगत रख सकें। संसाधन व्यक्तियों ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध AI संचालित कोचिंग जैसे विभिन्न विशेषताओं पर भी विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के दौरान RSP के शीर्ष 5 शिक्षार्थियों को सबसे अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया। सहायक प्रबंधक कोकवन श्री गोपाल वर्मा ने पहला पुरस्कार जीता। उसके बाद सहायक प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री अजय कुमार, प्रबंधक परियोजनाएं श्री अर्नब बोस, महाप्रबंधक CCW श्री RK सिंगल और प्रबंधक NPM सुश्री ज्योतिमयी रौतिया को पुरस्कार मिला। समग्र कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक HRPLOD श्री एस बरपंडा के नेतृत्व में HR टीम द्वारा किया गया। उप महाप्रबंधक CED श्री KK जायसवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिलिकॉन स्टील मिल SSM विभाग में 21 अगस्त 2024 को विषाक्त गैस रिसाव और सामग्री प्रबंधन के लिए आपातकालीन तैयारी योजना पर एक सुरक्षा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी SSM श्री CR मिश्रा ने की। सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए श्री मिश्रा ने सुरक्षा अभियान में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया और उन्हें सुरक्षा से संबंधित किसी भी मुद्दे या निकट चूक की घटनाओं के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उप प्रबंधक SED श्री बाबूनी बेहरा ने सामग्री की शिफ्टिंग और लिफ्टिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं को साझा किया और सेल की पिछली घटनाओं पर भी चर्चा की। सहायक प्रबंधक SED सुश्री प्रज्ञानाथ ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट के लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग में हाल ही में ईओटी ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर पर पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री दीपांकर महापात्रो और महाप्रबंधक HRD श्री के श्रीनिवास उपस्थित थे। प्लांट के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 14 ठेका श्रमिकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। तकनीकी सत्र IISSC भारतीय लॉ एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किए गए, जिनके साथ LD विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेषज्ञों द्वारा ईओटी क्रेन के सुरक्षित संचालन पर बहुमूल्य जानकारी साझा की गई और प्रतिभागियों को उचित संचालन और रखरखाव के लिए सुझाव दिए गए। सत्र ईओटी क्रेन ऑपरेटर की प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं, क्रेन संचालन और ईओटी क्रेन के निरीक्षण और रखरखाव पर केंद्रित थे। यह एक योग्यता आधारित प्रशिक्षक नेतृत्व वाला प्रशिक्षण था जिसमें व्यावसायिक विकास और कौशल विकास गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। प्रबंधक मानव संसाधन LD सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुति की तथा संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।